चर्चा करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। और रिलायंस का रिजल्ट आज दोस्तों आ चुका है, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो रिलायंस के आज क्या रिजल्ट्स रहे और इसके क्वार्टर फोर रिलायंस पार्टलिमिटेड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इंट्रा ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग इनिशिएट करें। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस के रिजल्ट्स। तो रिलायंस के रिजल्ट देखिए, सबसे पहले दोस्तों तो डिविडेंड 7 रुपए का डिक्लेयर हो चुका है, बहुत ही गजब का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट की तरफ अगर हम मूव करें दोस्तों, तो रिजल्ट देखिए कितना एक्सीलेंट टाइप का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो अगर आप देखिए टोटल इनकम, तो टोटल इनकम लगभग लगभग 20 से 25% जंप किया है, 158,133 करोड़ में। ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं, जो कि लास्ट दिसंबर से लगभग 25% का इंक्रीज है। वहीं पे अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लगभग 10 से 12% का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन से देखें तो लगभग लगभग कह सकते हैं 200% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। वहीं आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लगभग 2 से 3% का प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि आगे चलते हैं एसेट क्वालिटी पे, तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, बहुत ही अच्छी हुई। और यहाँ से भी देखें एसेट क्वालिटी में लगभग 10 से 12% का जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग है और उसको बीट किया है, तो डेफिनेटली हर एक पैरामीटर पे एक अच्छा रिजल्ट है रिलायंस का। और यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कमेंट्री भी ध्यान से देखना होगा, तो एक अच्छा रिजल्ट है। अब अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर 3 महीने का नजरिया है, तो आप देखिए शेयर अभी तक चला नहीं है, तो आप 1900 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, और ऊपर की तरफ हम लोग बहुत ही जल्द 2300 का लेवल देखेंगे। वहीं अगर आप 1 साल तक की अवधि का नजरिया रखते हैं, तो भी आप 1840 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर के लेवल हम लोग बहुत ही जल्दी 2600 से 2700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये शेयर हमें 2050 के लेवल, 2070 के लेवल पे दिखा सकता है। 1965 का स्टॉप लॉस लगाए रखिए, मेंटेन रखिए। तो दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको